नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि जबरदस्त ब्रेकआउट दे रहा है और ये साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी जबरदस्त स्टॉक है जिसको किसी भी गिरावट पे आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने गिरावट पे नहीं बाय किया तो आपको ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए। ये स्टॉक्स है डिक्सन टेक्नोलॉजी, मार्केट कैप 28,000 करोड़ का है और देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से ज्यादा है दोनों का दोनों, डिविडेंड 0.02% का काफी कम है क्योंकि ये कंपनी जो है मुख्य रूप से अभी अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रही है। वही बात करें तो जो कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग है मात्र 35% है। अगर आप लो प्रमोटर्स होल्डिंग वाले स्टॉक के साथ जाना नहीं चाहते तो आप अवॉइड कर सकते हैं। प्लेस परसेंटेज जीरो है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। डेट इक्विटी काफी कम है, 0.21 का काफी कम, मतलब डेट है टोटल डेट मात्र 156 करोड़ का जबकि रिजर्व 726 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 176 करोड़ का। और कंपनी जो मुख्य रूप से जो बिजनेस करती है, देखिए यहाँ पर काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जैसे एलईडी टीवी हो गया, होम एप्लीकेशन हो गया, लाइटिंग हो गया और यहाँ पर मोबाइल, स्मार्टफोन, सीसीटीवी, डीवीआरएस, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सारे प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। काफी जबरदस्त कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर ग्रोथ की बात करें, सेल्स 2012 में मात्र 572 करोड़ का चाक से बढ़कर के हो गया 6,448 करोड़ का और जो नेट प्रॉफिट है यहाँ देखिए 2012 में कंपनी लॉस में थी, 2013 में प्रॉफिट में आई, 5 करोड़ से बढ़कर के हो गया 160 करोड़ का। तो काफी जबरदस्त कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, साथ साथ ग्रोथ भी काफी जबरदस्त है। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव है, 2019 को सिर्फ छोड़ दें। अगर इन्वेस्टर सेशन की बात करें, यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक लगातार हमें डिक्रीज होता हुआ देखने मिला है। पिछले 2 सालों में 3% से प्रमोटर्स का स्टेक डिक्रीज हुआ है लेकिन कंपनी काफी बड़ी है क्योंकि 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है, मतलब एक मिड कैप या लार्ज कैप मान सकते हैं। तो ये कंपनी काफी ज्यादा ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और मैन्युफैक्चरिंग काफी बेहतरीन सेक्टर है आने वाले समय में इन्वेस्ट करने के लिए। अब वही बात करें कंपनी के टेक्निकल चार्ट का, देखिए जो डेली प्राइस का चार्ट है यहाँ पर स्टॉक्स लगातार इस ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन को हिट किया, फिर यहाँ पर नीचे आया, नीचे के ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन इसको हिट किया, फिर यहाँ गया इस ट्रेंड लाइन को हिट किया, फिर यहाँ पर नीचे आया इस ट्रेंड लाइन को, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को हिट किया, फिर यहाँ पर स्टॉक देख सकते हैं ऊपर की ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर पहुंच चुका है। यहाँ पर या तो यहाँ पर ब्रेकआउट होगा या तो यहाँ से फिर से हमें गिरावट देखने मिलेगा। तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो है उसको भी क्रॉस कर चुका है। अगर हम सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखें तो सब यहाँ पर रेसिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है लेकिन जो एक ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस बनता है उसको भी ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो 5,000 है एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, तो 5,000 का जो लेवल होगा उसको भी ब्रेक करने का हम इंतजार करेंगे। 5,000 के ऊपर स्टॉक निकल करके सस्टेन कर जाता है तो वहां से जो रैली होगा वो काफी जबरदस्त होगा और ये रैली जो होगा इस स्टॉक को लगभग 6,500 तक लेकर जाएगा अगर 5,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। तो काफी जबरदस्त ये ब्रेकआउट होगा और काफी सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। जब ये स्टॉक्स 2,000 रुपीज पे था एक साल पहले, उस समय से मैंने रिकमेंड किया और वहां से 20,000 का हाई लगाया और 20,000 से स्टॉक के स्प्लिट और बोनस के कारण शेयर प्राइस काफी नीचे आया और वहां से देखिए फिर से ये स्टॉक यहां पर रैली पकड़ सकता है अगर ये स्टॉक 5,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। तो हमारा सबसे पहला होगा कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद स्टॉक्स जो है 5,000 के ऊपर सस्टेन करे तो काफी जबरदस्त ये ब्रेकआउट होगा और फिर यहां से हमें काफी बेहतरीन टारगेट देखने मिलेगा क्योंकि आज जो मार्केट था वो काफी निगेटिव मार्केट था, फिर भी ये स्टॉक्स देखते हैं काफी स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक रैली कर सकता है ब्रेकआउट के बाद। तो जिनके पास भी है इन्वेस्टेड है, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है तो छोटे छोटे क्वांटिटी में हर गिरावट में लेते रहिए या यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो निश्चित रूप से बने रहिए इस स्टॉक के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्टेड है, देखिए जबरदस्त वॉल्यूम है, यहाँ पे ही वॉल्यूम ये काफी आया था, यहीं पर बता दिया था कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है। देखिए यहाँ पर भी जबरदस्त वॉल्यूम था और ये वॉल्यूम लगातार यहाँ पर फिर से आ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा है इस स्टॉक में। तो देखते हैं ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या नहीं, तो अगर सस्टेन होता है तो फिर आपको स्टेक ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अपना होगा यहाँ पर वो 4,600 के नीचे रख सकते हैं। अगर कोई भी अभी आप मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो 4,600 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और तब आपको यहाँ पर लेना चाहिए इस स्टॉक को जब ये सस्टेन कर जाता है। या तो देखिए इस तरह के स्टॉक्स को हम जब गिरावट होता है, जब रिवर्सल का साइन देता है वहां पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर रिवर्सल का साइन, ये जो कैंडल है आपको ये पहला ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल साइन था कि आप यहाँ पर स्टेक ले सकते हैं।
या तो आप यहाँ पर आप ब्रेकआउट पर लीजिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।